वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे मशहूर डांसर, रैपर, गायक, नर्तक, गीतकार रफ्तार के बारे में। रफ्तार एक अलग ही रफ्तार से अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका जो संगीत का करियर ग्राफ है, उन सब के बारे में जानते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इनका जो वास्तविक परिचय है, इसमें इनका नाम है दिलीप नायर और इनका उपनाम है रफ्तार। ये डांसर की ओर से रफ्तार RAA Max के नाम से भी जानते हैं और ये रैपर, गायक, नर्तक और गीतकार हैं। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है चेन्नई तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में, और जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1988। ये इंडियन हैं। गृहनगर इनका तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत है। दोस्तों, इनका प्रथम प्रवेश हुआ था गायन में बियर पब 2009 में और ब्रेक अवे से शेरा दी कॉम 2011, जो कि अंग्रेजी और पंजाबी का रेमिक्स था। दोस्तों, ये हिंदू धर्म से हैं और इनका शौक है एक्सरसाइज करना और ये विवादों में भी घिरे। तो पहला फिल्मी ट्रैक फगली को लेकर उनका यो हनी सिंह के साथ झगड़ा हुआ था, क्योंकि रफ्तार ने दावा किया था कि उनके शीर्ष गीत और दो अन्य गाने धूप चिक और बंजारे लिखे और बनाए हैं। दोस्तों, इनका पसंदीदा खाना है मक्के की रोटी के साथ साथ। पसंदीदा संगीतकार हैं एमिनेम और लिंकन पार्क और ये विवाहित हैं। दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम है कोमल वोहरा, जो कि इंटीरियर डिजाइनर हैं और 2016 में इन्होंने शादी की 1 दिसंबर को। दोस्तों, जो रफ्तार हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं। रफ्तार रैपिंग, गायन, नृत्य, गीत लेखन और संगीत में बहुत प्रतिभाशाली हैं। वो केरल में पैदा हुए एक मलयाली हैं जिनके माता पिता बाद में दिल्ली में बस गए। उनके पिता इंडियन रेलवे में क्लीनर थे और माँ टाइपिस्ट थी। उन्होंने मैक्स नाम से एक नर्तक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने मैक्स एंड मानिक नाम के एक सहयोगी के साथ डांस इंडिया डांस 2011 में भाग लिया और 2011 में उन्होंने अपने पहले रैप गीत के साथ तुरंत प्रसिद्धि प्राप्त की और वो जिंदाबाद में काम किए। और शुरुआत में उन्होंने यो हनी सिंह के साथ माफिया मुंडेर समूह में भी काम किया। उन्होंने दिल्ली में एक डांस कोच द बिग डांस क्लब के रूप में भी काम किया और झलक दिखला जा, सीजन 8 और डांस इंडिया डांस जैसे रियलिटी शो में भी दिखाई दिए। तो इस तरह उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ जो इनका फिल्मी करियर ग्राफ रहा और इनके साथ साथ जो संगीत का करियर ग्राफ रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही लग्जीरियस और लेविस लाइफ के शौकीन है ये। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो इनके बारे में जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।